खबर रीवा से है, जहां निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं का बोलबाला साबित होगा। नगर निगम के 45 वार्डों में बीजेपी ने पार्टी से पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जहां 45 वार्डों में से 16 महिला प्रत्याशियों को उतारा गया है। कई पुराने जीते हुए प्रत्याशियों को बदलकर भी उनकी जगह पर महिला प्रत्याशी को टिकट दिए गए हैं। वार्ड क्रमांक 1 से पूर्णिमा रावत को तो वार्ड नंबर 2 से ममता कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। आइए सुनते हैं जिलाध्यक्ष ने मामले में क्या कहा है। पत्रकार वार्ता में हमारे सभी मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे भाइयों का हार्दिक स्वागत। हमारे बीच हमारे जिले के महामंत्री नरेंद्र शर्मा जी, जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रेनिल द्विवेदी जी, हमारे मीडिया के सह प्रभारी विवेक पांडे छोटू जी। आज यह पत्रकार वार्ता थोड़े समय में आहूत की गई। हम सब जान रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव की और साथ ही जिले की 12 नगर पंचायतों की चुनाव की नामिनेशन की तिथियां स्टार्ट हैं और 18 तारीख को नामिनेशन का आखिरी तिथि है। भारतीय जनता पार्टी जिला चुनाव समिति एवं संभागीय चुनाव समिति ने नगर पालिक निगम के सभी 45 वार्डों एवं नगर हमारे जिले की 11 नगर पंचायतों के पार्षद प्रत्याशियों के नामों की स्वीकृति प्रदान की है। चुनाव समिति की स्वीकृति अनुसार जो नाम घोषित हुए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 से श्रीमती पूर्णिमा रावत, वार्ड क्रमांक 2 से श्रीमती ममता कुशवाहा, वार्ड क्रमांक 3 से श्रीमती संजना वर्मा, वार्ड क्रमांक 4 से श्रीमती दारा सिंगोड़, 5 से श्री अरुण तिवारी मुन्नू, वार्ड क्रमांक 6 से श्री प्रभात दीक्षित, वार्ड क्रमांक 7 से श्रीमती अर्चना पांडे, वार्ड क्रमांक 8 से श्रीमती विमला सिंह, वार्ड क्रमांक 10 से श्री वीरेंद्र पटेल, वार्ड क्रमांक 11 से श्रीमती शशि सिंह परमार, वार्ड क्रमांक 12 से श्रीमती ज्योति सिंह, वार्ड क्रमांक 13 से श्री मानवेंद्र द्विवेदी, वार्ड क्रमांक 14 से श्री प्रकाश श्रीवास्तव, वार्ड क्रमांक 15 से श्रीमती सुशीला पटेल, वार्ड क्रमांक 16 से श्री सालिक राम सेन, वार्ड क्रमांक 17 से श्रीमती वंदना सिंह, वार्ड क्रमांक 18 से श्री अम्बुद रजक, वार्ड क्रमांक 19 से समीर शुक्ला, वार्ड क्रमांक 20 से दीनानाथ वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 21 से श्री सतीश सोनी जो पूर्व नगर निगम के स्पीकर रहे हैं, वार्ड क्रमांक 22 से श्रीमती सरस्वती गुप्ता, वार्ड क्रमांक 23 से श्रीमती शिवा पांडे, वार्ड क्रमांक 24 से श्री वेंकटेश पांडे, वार्ड क्रमांक 25 से श्रीमती सुधा तिवारी, वार्ड क्रमांक 26 से श्री मनोज सिंह, वार्ड क्रमांक 27 से श्री शंकर साहनी, वार्ड क्रमांक 28 से श्री सुशील चौधरी, वार्ड क्रमांक 29 से श्रीमती शिवमाला यादव, वार्ड क्रमांक 30 से श्रीमती नीता कछवाहा, वार्ड क्रमांक 31 से श्रीमती श्रद्धा ठारवानी, वार्ड क्रमांक 32 से श्रीमती सरस्वती नंदलाल ताम्रकार, वार्ड क्रमांक 33 से सौरभ अग्रवाल, वार्ड क्रमांक 34 से श्री अब्दुल रहीम जुगनू, वार्ड क्रमांक 36 से सूरज केवट, वार्ड क्रमांक 37 से श्रीमती मंजू प्रकाश सोनी, वार्ड क्रमांक 38 से श्री राज बहोर चौधरी, वार्ड क्रमांक 39 से श्रीमती सरोज बंसल, वार्ड क्रमांक 40 से श्रीमती सितारा बंसल, वार्ड क्रमांक 41 से श्रीमती कोमल वर्मा, वार्ड क्रमांक 42 से श्री इकराम खान, वार्ड क्रमांक 43 से श्रीमती हेमलता सिंह, वार्ड क्रमांक 44 से श्रीमती पुनीता पाठक, वार्ड क्रमांक 45 से श्री परम कुशवाहा। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम रीवा के सभी 45वें वार्ड के प्रत्याशियों की घोषणा की गई। इसी तरह सभी 11 नगर पंचायतों की भी घोषणाएँ की गई हैं। आप लोग चाहें तो उसका वाचन कर सकते हैं, चाहें तो आपको हम अभी, पहले 11 थी, डभौरा एक नई नगर पंचायत बनी है। हमने डभौरा, सिरमौर, बैकुंठपुर, सिमरिया, त्योंथर, मनगवा, नईगढ़ी, मऊगंज, हनुमना, गुड़ और गोविंदगढ़ 11 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। सभी 15 वार्डों प्रत्याशी घोषणा की गई है। चाक घाट की घोषणा भी शीघ्र ही कर दी जाएगी। अब आज घोषणा हो गई है, कल से पर्चा दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। हर प्रत्याशी का अपना मुहूर्त देखता है, कोई का कुछ होता है, कोई का कुछ होता है अपने। ये भी हम आपको जल्दी सूचना दे